देखो अब ऐसे ही आया था पूरा। की बोलबो दादा, आपने बोलूँ इनका ग्रीन चटनी। मैं 2 दिन से स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। स्ट्रिक्ट का मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कि मैं पानी भी उबला हुआ पी रहा हूँ। एक किटकैट लेने का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रखा था भाई नेक्स्ट वीडियो में चॉकलेट ऐड करना, तो इसलिए मैंने किटकैट ऐड कर रखा है। और आप लोग को ये भी बता दूँ कि मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे गर्दन में कोई तलवार रख के बोले कि चॉकलेट तुम्हें खाना पड़ेगा, तो मैं किटकैट ही तब खाऊंगा। अराबियाटा पास्ता, रेड सॉस पास्ता ऐसा नाम था, तो मैं एज इट इज आपको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। चिली गार्लिक हाका नूडल्स, वेज स्टीम्ड मोमोज, मोमोज के साथ वाली चटनी, बारबेक्यू ग्रिल्ड सैंडविच जो देख के गजब लग रहा है, शेजवान चीज मैगी। मैंने थोड़ा सा जो नहीं उस दिन जो डोमिनो से थोड़ा सा बच गया था चिली फ्लेक्स और जो ओरिगेनो, हाँ तो वही मैं डाल के रखा हूँ। तो मेरे को मैगी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम लगा प्राइस के हिसाब से। चलो टेस्ट बढ़िया होना चाहिए भाई। हनी चिली पोटैटो और का बच गया जी, हाँ चीज वड़ा पाव उसके साथ एक मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करा जाए चॉकलेट से, कुछ मीठा हो जाए। 20 रुपए वाला किट कैट है जी, किट कैट। सबको पता है किससे स्टार्ट करने वाला था, है ना। वेज स्टीम्ड मोमोज, अंदर का फीलिंग देखो। बेस्ट पता था। इतना ज्यादा भूख लगा हुआ था मुझे, मैंने नहीं सोचा मुझे क्या मंगाना है, नहीं मंगाना, डायरेक्ट जोमेटो खोला, धड़ाधड़ 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 ऑर्डर कर दिया। हाँ मुझे अपना औकात मतलब मुझे अपना बजट पता था, उसके हिसाब से मंगवाया हूँ। हनी चिली पोटैटो फोकस ले लिया। एंड सही मन कर रहा आप गाने का, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। अब थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा होगा, स्टाइलिश द इंडियन मग बैंगर। ये सब कुछ मैंने मंगा रखा बियॉन्ड टेम्पटेशन से, नीचे मैंने सारा कुछ डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखा। मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा खुजली रहता है, कहाँ से मंगवाया होगा, कितना दाम होगा, इंडिविजुअल खाने का कितना दाम होगा, टोटल बिल कितना होगा, बहुत खा रहा है देखते हैं खा पाते हैं कि नहीं। अच्छा ये क्वेरी नहीं होता होगा उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। हनी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसमें। अंदर में क्या क्या है, ऑब्वियसली चीज होगा, वड़ा है, इनका ग्रीन चटनी है, शायद स्प्रिंकल कर रखा है कुछ रेड चिली पाउडर जैसा। ऐसा तो कुछ खास लगा नहीं। ठीक है, चिली गार्लिक हाका नूडल्स को टी राई कोरा जाए रे बाबा। अरे यार रे, ठीक, गुस्सा नहीं उतना। मुझे नूडल्स में जो उसका ड्राइनेस होता ना, ड्राइनेस वो थोड़ा ज्यादा लगता। मिला के ट्राई करा जाए। बांक।
सॉस के साथ अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑफ सॉस इसका टेस्ट उभर उभर के आ रहा है। बारबेक्यू ग्रिल्ड सैंडविच ट्राई करा जाए, देखो अब ऐसे ही आया था पूरा। आई थिंक इसमें इन्होंने बारबेक्यू सॉस यूज करा है, मुझे बारबेक्यू सॉस बहुत ही गजब लगता है। प्रॉपर लग रहा, आज बिल्ली नहीं है तो कुत्ता आ गया। अरे मतलब भेड़िया उड़िया आ गया, कमेंट्री। तो मेरे लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था बांग्लादेश से, समझ सकते हो आपका भाई कितना फेमस हो रहा है, बांग्लादेश से फर्स्ट कमेंट आ रहा है। इमरान व्लॉग, फर्स्ट लव फ्रॉम बांग्लादेश, पहला पहला प्यार हो गया है इनको हमसे। हाँ अब आती है इंडियन, खुशी महिंद्रा, फर्स्ट और साथ में दिल भी है भाई, छुपा हुआ वो हम मुझे दिख नहीं रहा, मुझे पता है, बट फर्स्ट और दिल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, खुशी महिंद्रा जी। लक्ष्मण वाला, इस बार पहली कमेंट है शायद, इनके कमेंट में कुछ पहली छुपा हुआ, अच्छा नहीं इस बार पहली कमेंट है शायद। भाई देखो आपका पहला कमेंट हो ना हो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे ये नेबर लोग मुझसे इतना जलते क्यों हैं? तो भाई आप लोगों का कमेंट पहला हो ना हो, आप लोग मेरे दिल में हमेशा पहले रहोगे। और ये मैं थोड़ा सा मतलब शायद आपको फेक फेक लग रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा मैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, बट अच्छा हाँ ये तो मतलब एक है ही ऑप्शन, ये तो होगा ही मेरा, तो आपको तो वैसा लगेगा ही। देखो भाई मैं अपने तरफ से जेन्युइन हूँ, आपको जो समझना है समझो। मैगी मैगी ट्राई कर जाए, बियॉन्ड टेम्परेचर मानना पड़ेगा। हो गया कांड, नीचे एक यूनियन जमा हो गया है। चलो अभी कुछ देर ही शांत है, जब तक यूनियन चाय ब्रेक करते मैं अपना मकबैंग कंप्लीट कर लेते। सॉरी सॉरी, सही है, ये शायद कभी अभी मोर्चा में निकलेंगे। काश ये लोग समझते कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और आधा घंटा बाद कर लेते। अच्छा यूनियन तो मेरे लिए है, आधा घंटा बाद क्या करते। चलो फैसला ट्राई करा जाए क्योंकि ये लोग शांत नहीं होने वाले। इतना भारी बाउल है, रेड सॉस पास्ता, ओ जियो लौंडा। वन ऑफ द बेस्ट पास्ता मैंने अपने लाइफ का खाया है। वो लोग भी पता चला कि मैं पास्ता वास्ता खा रहा हूं तो हल्ला लग गया। यार ये पास्ता आज का हाइलाइटेड डिश है, हाइलाइटेड। रोमी किचन फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। शुभंकर रॉय, ब्रो वीडियो में एक बार बंगाली में बात कर रहा प्लीज, की बोलबो दादा आपनी बोलून अभी की बोलबो, ए तो गरम लगछे इखने में जल्दी जल्दी खे बेरो तो चाहिए तुम्हारे के एंटरटेन करते चाहिए, अरे की बोलबो भाल लागलो प्लीज कमेंट करे जाना नेक्टू हमके। केचप और चौमीन का डेडली कॉम्बिनेशन होता ही नहीं। आओ बे, इतना क्रंची तो कुरकुरे भी नहीं होता है। ब
बेल पेपर्स, मुझे बेल पेपर्स बहुत पसंद है। रेड बेल पेपर्स और येलो बेल पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमें बचपन से कभी भी ये एहसास तक नहीं दिलाया जाता था कि इस कलर के बेल पेपर्स होते भी थे। इसको बेल पेपर्स क्या, इसको शिमला मिर्च बोलते हैं, ऐसा हमें समझाया गया। पीला शिमला मिर्च गजब का है भाई। चलो पहले मैं ही खत्म करा जाए, ये बेचारा तभी से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लगा के मेरे को देख रहा है, इसका आंख जल रहा होगा। मैगी से चौमिन को टक्कर मार रहा हूँ, ऐसा लग रहा बुलेट और स्प्लेंडर का टक्कर हो रहा है। इसको भी खत्म करा जाए रे भाई। वाचेंद्र ठाकरे, आपकी अभी तक कौन सी चीज फेवरेट रही है? डोमिनोज का द फोर चीज पिज्जा। खत्म है यहाँ पर, एंड है। प्लीज बता के शाउट आउट दे देना, वाचेंद्र ठाकरे द फोर चीज पिज्जा। स्वीटनेस लेवल गजब है। वड़ा पाव का एंड करा जाए। मजा ही मजा, बहुत तीखा लग रहा है। एक्सप्लोर एवरीथिंग अदिति, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो अदिति। हाय, हेलो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कैसे रखते हो? वीकली मैं 3 बार एब्स वर्कआउट करता हूँ, डेली शाम में जिम जाता हूँ, वहाँ पर मैं प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। नो शूट डेज में मैं ट्राई करता हूँ कि बाहर का खाना अवॉइड करो और घर का भी तेल मसाला वाला उतना खाना नहीं खाता हूँ। बस तन्मय गेमिंग भाई, नाम ले लो प्लीज। ऐसा वाला दोड़ो स्माइली और लास्ट वीडियो में भी नहीं लिया था। अच्छा ऐसा क्या, तन्मय गेमिंग HR गेमर, रुक जाओ गेमर भाई, रुक जाओ। What is your favorite destination? Show off करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बुलेट राइड करके लद्दाख जाना है, बट ऐसा बोलूंगा नहीं। बोलने के बाद भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि बोलूंगा नहीं। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है, जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त लोग जहाँ मेरे साथ टोली निकाल ले और जहाँ पर हमारी टोली रुकेंगी वही मेरा फेवरेट प्लेस बन जाएगा। ये पास्ता में क्रीमीनेस इतना ज्यादा भर भर के दिया हुआ है, ये आप खाओगे तो मे बी आपका ये वन ऑफ द फेवरेट पास्ता बन सकता है। अरेबियन पास्ता, देखो इतना कुछ खाने के बाद ये सब तो अब नहीं खाया जाएगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा आराम से ताकि इसका टेस्ट अच्छे से ले पाऊं। तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, नीचे कमेंट करके अपना थॉट्स बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, इनमें से आपका फेवरेट फूड कौन सा, देखने में सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग कौन सा लग रहा है, टेम्पटिंग हाँ नया वर्ड पता चला मेरे को तो वो यूज़ कर रहा हूँ, पर क्या बोलूँ यार। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जानी चाहिए। अरे बचा हुआ, अच्छा मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।